मजा आ रहा है ना आपको सूरतसा का ये अवतार देखकर? ऐसा लगता है जैसे पुष्कर का ये हलवाई अपनी हलवाई की दुकान छोड़कर गहनों की दुकान लगा रहा है। वो क्या बात है ना कि भावों ने अक्षय तृतीया के मौके पर इतने गहने खरीदे कि इनके घर में तो बस गहनों की भरमार लग गई है। जो गहने संध्या बीतनी को पहनने चाहिए वो गहने बड़े मजे से सूरत सा ट्राई कर रहे हैं। मुझे कुछ अपने पुराने दिन याद आते हैं जब मैं किसी एक कैरेक्टर के लिए से ड्रेसअप हुआ करता था। अब मैं इन कन्याओं का पेन समझ सकता हूँ। पृथ्वी राज चौहान क्या बोलूं, मुझे डर भी थी कि बाबू को भी अच्छा लगेगा मुझ पर अच्छा लगेगा। अब सूरतसा ने तो अपने गहने पहनने का शौक पूरा कर लिया, लेकिन जब उतारने की बारी आई तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये हार उनसे उतारा नहीं गया। निजी जीवन में कोई झूले नहीं पहनता, मेरे हाथ हमेशा खाली रहते हैं, ना मेरे उंगलियों में कुछ होता है ना मेरे गले में कुछ होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें हैं जो बहुत जरूरत में आपके काम आते हैं। सूरतसा के बाद आई संध्या बीतने की बारी, जिसके लिए भावो खास तौर पर यह खूबसूरत सा हार बनवा कर लाई थी। सूरज जी सोच रही पहले इसके हिसाब की ना ड्रेस जो है बनवा लीजिए। मुझे बहुत ही जलसी हो रही है ये देख के कि ये चीज संध्या को मैंने क्यों दी। भावो ने पहले बाजी मार ली। अब यहाँ पर तो सूरज और संध्या अक्षय तृतीया के मौके पर भावों के लाए गहने पहनकर खूब खुश हो रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद माहौल बिल्कुल बदल गया। पढ़ाई करते करते संध्या बीननी घोड़े बेचकर सो गई। बीननी, 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 परीक्षा। 15 मिनट बचे थे, घर से एग्जाम देने के लिए निकलना था और संध्या बीननी इतनी गहरी नींद में, बाप रे बाप। संध्या को तो ये भी रियलाइज नहीं है कि हो क्या रहा है। एक्चुअली उसको तो ये समझ नहीं आ रहा कि सपना है या रियल है। वो इतनी फील कर रही है, इतना डेजी डेजी फील कर रही है कि उसको एक्चुअली कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दिमाग उसका चल ही नहीं रहा है एकदम, उसको इतनी गहरी नींद आ रही है कि वो कुछ सोचने समझने की शक्ति जो उसकी काफ़ी स्लो हो गई है। तो अभी फाइनली यही क्वेश्चन है कि मैं एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँचती हूँ टाइम पर या नहीं, और उधर क्या लिखती हूँ या नहीं लिखती हूँ। अब जिस एग्जाम के लिए संध्या बीननी ने इतनी तैयारी की थी उसके बिल्कुल पहले वो सो गई। कहीं है किसी की साजिश तो नहीं? खैर वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो ये देखना है कि संध्या बीननी परीक्षा के लिए पहुंच पाती है या नहीं।